आरपीडी न्यूज की टीम पहुंची ग्राम पंचायत गोपालपुरा पंचायत समिति दरियाबाद जिला प्रतापगढ़। सरपंच प्रतिनिधि केशुलाल मीणा ने बताया कि पंचायत में जो विकास कार्य रुका हुआ है उसे पूरा करवाना वे किसानों के लिए वह खास तौर से विशेष कदम उठाएंगे जिससे पंचायत वासियों का विकास हो सके। आज हम पहुंचे पंचायत समिति दरियाबाद की ग्राम पंचायत गोपालपुरा के जो सरपंच पद के जो दावेदार हैं उनसे खास बातचीत करते हैं कि उनके मुद्दे और एजेंडे क्या है, किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव मैदान में आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो मुकाबला है वो आमने सामने का है, क्योंकि पूर्व सरपंच है वो भी 2-3 बार रह चुके हैं पूर्व में, हालांकि केशुलाल जी भी सरपंच रहे हैं, इनकी मेरी से धर्मपत्नी है वो यहाँ चुनाव मैदान में है, तो देखते हैं कि उनके विचार और एजेंडे क्या है। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार। तो सरपंच साहब ये बताइए केशुलाल जी कि पहले तो आपका पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम केशुलाल मीणा जी सर, ग्राम पंचायत गोपालपुरा जी सर, तहसील दरियाबाद जिला प्रताप। तो केशुलाल जी पहले भी आप सरपंच रह चुके हैं? पहले रह चुके हैं। अब की बार वापिस इतने समय बाद वापिस मैदान में आने का कारण मुख्य किस वजह से आया? कारण ये है कि गांव में कोई विकास नहीं है, रोड उमाड़ी में रोजगार कोई काज कारगर नहीं है, कोई काम नहीं। बिल्कुल, ये मानते हो कि पहले कोई काम नहीं हुआ, इन जो पहले पूर्व सरपंच ने वादे किए लेकिन वो वादों को पूरा भी नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ विकास भी नहीं हुआ, इन एजेंडों को लेके केशुलाल जी की धर्मपत्नी है वो मैदान में। तो और कुछ कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के बारे में? 15 साल रह चुके हैं हमने रोड बनाया, इसके बाद में 10 साल हो रह चुका है, एक टोकरी मिट्टी नहीं जुड़ रही है जी जी, और सारी रोड बाकी है, टांगड़ा उड़ेरिया खड़ा पड़ेरिया है वो धनी दोरी ने आज की तारीख में, हमारे ये नाला का एक रेंग वाल टूट गया, आज 4 वर्ष नहीं गए वापस पक्का मणि बनावट तैयार नहीं, और स्कूल में बच्चे के वास्ते कोई यहाँ देख रेख करवा कोई है नहीं। केशुलाल जी आप अगर सरपंच बनते तो गोपालपुरा पंचायत को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, क्या ऐसा विकास करवाएंगे, कौन सा ऐसा मुख्य मुद्दा लाएंगे? मैं तो पहली नंबर काम करके लोगों को बताऊंगा, पहली रोड बनाऊंगा, रोड के बाद में कोई का छोटा मोटा कोई अपने को किसी का डालिया है किसी का क्या है, गरीब लोगों के वास्ते मैं खड़ा हुआ हूँ और ये काम पूरा करूँगा। मैं बल्ला जयपुर जाना पड़ा जाऊँगा, दिल्ली जाना पड़ा जाऊँगा, जो करना पड़ा करूँगा, पैसा लाऊँगा और लोगों को रोजगार दूंगा। कुल मिला के ग्राम पंचायत में ज्यादा से ज्यादा विकास करना ये एजेंडे की बात कह रहे हैं। सरपंच साहब यहाँ बात करते हैं मुख्य रूप से खेती पे डिपेंड है अपने ज्यादातर पंचायत के 90% जो लोग 90% खेती पे डिपेंड है, किसान वर्ग के लिए आपने क्या सोचा है? किसान के बारे में जमीन में जो आज की तारीख में 30% फसल है जी सर, और ये पंचायत वाले को देखे मेरी पहली की भी फसल खराब है अभी तक मिला दे लोगों को, और यहाँ लिम्स में सारी हमारा इतफा चल रही है, लोगों को रोजगार मिल रही हो, खाने के तो 10,000 खाने 5,000 और बने लोग अगली जो अगला पहली सरपंच था बने 1-1 लाख रुपया उठा दीता, तो उठावे ने लोगों को रुपया माफ करा दीता, जो हमारे गोपालपुरा लिम्बाखेड़ा करसेड़िया और यहाँ नाड़फड़ा बिल्कुल बकाया है अभी तक कुछ नहीं हुआ। कुल मिला के किसानों की समस्याओं को भी एक बड़ा मुद्दा बड़ा मुद्दा है। सरपंच साहब पंचायती राज का जैसे अपन नाम लेते हैं तो भ्रष्टाचार मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा छा जाता है, पंचायती राज का नाम आते ही तो इसे आप कहाँ तक सही मानते हैं कहाँ तक गलत मानते हैं, अगर आप सरपंच बनते हैं तो भ्रष्टाचार पर कहाँ तक नियंत्रण कर पाएंगे? भ्रष्टाचार हम तो पूरा इसको भ्रष्टाचार के वास्ते खड़े हुए, हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, हम तो नाम देखते हैं लोग गांव को लोगों को रोजगार मिलो सारे रोड है, कोई लोग अपने बिचारा कोई पढ़ा लिखा है वो बीएड करके घूम रहा है जिसको रोजगार में लगाना है, और हम सारी मुद्दा ये लेडीज के वास्ते पुरुष के वास्ते यहाँ तक मैं खड़ा हुआ हूँ, ये काम पूरा करके छोड़ूंगा। बहुत अच्छी बात की कि जो युवा बेरोजगार है उनका मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा कोई जन कल्याणकारी योजना आती है उनका लाभ ये पहुंचाएगी। सरपंच साहब सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र में अपन बात करते हैं तो नशे की प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा है, बाल विवाह होते हैं, बहु विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु बहुत जैसी कुप्रथाएं आज भी अपने क्षेत्र में है, तो अगर आप सरपंच बनते हैं तो क्या प्रभावी कदम होते हैं? बिल्कुल, हम तो जो मृत्यु बोझ में हम कम करते ज्यादा नहीं होने देंगे, हम लोग को झगड़ा हो गया तो हम थाने के अंदर नहीं जाने देंगे, हम ये ग्राम पंचायत से बैठ के फैसला करेंगे, लोगों को हम लुटाला नहीं कराएंगे, और लोग को लूटन खा जाए तो हमने खाने देंगे, भला वन विभाग हो, भला सिंचाई विभाग हो, भला बिजली विभाग हो, भला कोई भी विभाग हो, हमारे ग्राम पंचायत में हम है
अतरे एक पैसा लोगों को नहीं लगवा। बिल्कुल बहुत अच्छी बात की ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार जैसे और ग्राम पंचायत विकास करवाना बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ये साथ में जो सरपंच है उनसे बात करते हैं। महिला सरपंच है क्योंकि विशेष तौर से महिलाओं की भी आजकल भूमिका बढ़ती जा रही है राजनीति के अंदर, तो उनसे खास बातचीत करते हैं। मैडम नमस्कार। तो सरपंच साहब क्या मुद्दा लेके आए हो? महिलाएं हैं विशेष तौर से, तो महिला होने के नाते आप सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करवाएंगे? महिला का हुक्म ये गद्दा मजदूरी करता है सबका। जी जी जी। कोरोना के बारे में कई धान की मजदूरी नहीं, आदमी घर बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल। घर बैठा है 6 महीना तक घर बैठा है, तो पंचायत में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। बहुत अच्छी बात की कि महिलाओं महिला है वो महिला का घर जानती है, महिलाओं के लिए विशेष तौर से ये मुद्दा लेके चले। हमारे साथ मौजूद है पूर्व वार्ड पंच नाथूलाल जी, उनसे बातचीत करते हैं कि गोपालपुरा में पहले वो उप सरपंच भी रहे, वार्ड पंच भी रहे, वो पंचायत के प्रति क्या भाव रखते हैं? सर नमस्कार। तो नाथूलाल जी ये बताइए कि आप वार्ड पंच भी रहे, उप सरपंच भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में आप केशुलाल जी के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूर्व में क्या हुआ यहाँ पंचायत में, उसके बाद थोड़ा विस्तृत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर प्रत्येक घर शौचालय, ऐसा कुछ लाभ नहीं मिला आपको। इनके जो साथी हैं बुजुर्ग साथी वो भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी क्या पीड़ा है उनसे भी कुछ विचार लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। तो बाबा जी क्या दिक्कत आ रही है? मेरी दिक्कत ये आ रही है साहब, आपको लाल जी मेरा मैं बोलता हूँ, गोपालपुर में रहने वाला हूँ। जी सर। नाथूलाल जी सरपंच साहब को मैंने बोला साहब पानी पीवा पूरा नहीं है, मतलब तरे मरे मैं पोक मार लिया, हाथ पोक मार लिया अपना का और मैं हाथ जोड़न लोगो, तो मैंने ये बोल दिया सरपंच साहब। नाथूलाल जी बोला कि कुरलाल जी क्या है 25,000 रुपया लगे पूरा दे काट को। क्या बात है, देखो ये यहाँ की कंडीशन है, यहाँ पैर दबाए जाते हैं सरपंच, पूरा जो सरपंच रहा 15 सालों से उन्होंने उनके पैर दबाए कि सर हमारे यहाँ पे पेयजल की समस्या है, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं, और सामने से बोला कि 25,000 रुपए भी आपको देने पड़ेंगे तब जाके आपका काम होगा। उसके बाद में क्या हुआ? मेरा बात कुरलाल जी का जब मैं बोला साहब समिति वालों को जी, मेरे साहब सबको रुपया दे रहा 10,000 रुपया तुम आ दो, तो मैंने भी कुरलाल जी थारा लाल लक्कर आए थे, लाल लक्कर आ दिया मकान बना दी। नाथूलाल जी का देखो आज मैं लगा तक बीड़िया लगा तक 2 करोड़ को मकान है, वह कहाँ से पैसा लाया? 1,000 रुपया 1-1 करोड़ का प्लॉट नहीं दे ये सार, वे कहाँ से पैसा लाया? समिति वाले मैंने सर बाबू है 30 लाख में प्लॉट ली, तो वे कहाँ से पैसा लाया? वह कहाँ से कमा लाया? सब जनता का पैसा होगा, सब जनता का, हमको बोलना दे नहीं जब अलवा मन रम पड़ेगा, मैं किसान लोग का क्या करा? बिल्कुल ये बाकी खा रही साहब, ये इनकी पीड़ा है वास्तव 15 सालों से जो सरपंच नाथूलाल जी उनके आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने कोई लाभ नहीं दिलवाया, इन्होंने करोड़ों की संपत्ति बनाई, अपना घर भरा है, तो ये इनकी पीड़ा है विशेष तौर से। और चुनाव के समय में अक्सर ये आता है, ये बातें निकल के सामने आती है, साथ में जो उनके कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते हैं कि वो चुनाव के लेके क्या अपने विचार रखते हैं। सर नमस्कार। तो गोपालपुरा सरपंच जो पद के दावेदार हैं आप उनके कार्यकर्ता हैं, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? गोपालपुरा आपने बहुत पहले एक बार जीता था, बहुत बढ़िया काम किया, 15 साल के बाद में रोड उसने कराया था सर, और ये बात गांव का विकास जब कैसे आता है, नाथूलाल जी सरपंच 15 साल हुए सब उसी के गांव में सब सब सारे बात हेडपम्प लगा दिए, उसके घर घर का काम कर दिया, सब आरसीसी करा दी हमारे कर्सेरिया में, गोपालपुरा मोरापुरा और लंबाखेड़ा में, उसमें कुछ काम नहीं हुआ सर, और पुल टूटा हुआ भी अभी पड़ा है, और वो आया है सब गाड़ी में बैठ के आता है, और हमारे घर भी नहीं देखे अभी 20 साल हुए, मैं रोड के 100 मीटर दूर से दूर हूँ सर, वो हमारे साथ देखता भी नहीं, हमारे रोड भी नहीं, हमारे गाय भैंस घर में पड़े, तो 15 साल से मैंने रिक्वेस्ट की सर कि मेरे ये काम नहीं, तो सर साहब कहने होगा ये तो होगा तुम्हारे गाँव वाले होगा, मेरी जिम्मेदारी का काम नहीं है और मैं नहीं कर पाता हूँ, और तुम ही जाओ तुम्हारा काम जाओ, हमारे को कोई सलाह नहीं दी, और हमारा जो विकास है जो विकास कुछ भी नहीं आया सर, हमारा ग्राम सेवा का पैसा आया जो लंच का वो भी हमारे कुछ काम नहीं किया, कि तुम्हारा उड़ी लगी सब क्या हो रहा है इसके उसी के गाँव में, और हमारे गोपालपुरा पंचायत में कोई पैसा नहीं आया, 5,000 दिए वो भी वापस मांग ली, फिर भी जमा हो गए माफ हो गए, ये इनकी पीड़ा है, ये बहुत परेशान है यहाँ के ग्रामवासी। साथ ही वापस अपने केशुलाल जी के पास आते हैं कि उनके मुद्दे और मसले क्या हैं। तो केशुलाल जी एक बार पुनः आप वर्तमान प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपके साथ ही बंधु भी आपके साथ है, सोशल मीडिया एक तरफ चुनाव है और एक तरफ से कोरोना है, कोरोना महामारी बहुत भयंकर चल रही है, तो आप किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं? हम तो 5 जन का ग्रुप बनाया है, दूर दूर से खड़ा रह के हम प्रचार कर रहे हैं, और मतलब लोग ज्यादा एकता नहीं कर रही है, हमारे 5 जन की टीम है, 5 जना वहाँ गया, 5 जना वहाँ गया, इतने हम
प्रचार कर रहे थे, हमारा कोई ज्यादा भीड़ भाड़ नाराबाजी हमारे रैली बाजी हम नहीं कर रहे। तो गांव के लोग हैं, मतलब चुनाव नजदीक है, तो गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव के एक ही बात है कि मतलब हम वोट देंगे जी जी, और जो इसको पहले हमारा बहुत भ्रष्टाचार कितने तुको है हम नहीं देंगे जी। ये लोगों की भावना भेजी है, लोगों की इच्छा है कि हमारा कुछ विकास में कुछ काम पे, ये लोगों की भावना है। ये थे केशवलाल जी के विचार जो गोपालपुरा सरपंच के पद के दावेदार है, और हमें इन सरपंच साहब आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।